स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई हैव गिवन यू डे बिफोर यस्टरडे द इंस्टेंट असम्बली वर्क फॉर द रिविज़न ऑफ़ द इंग्लिश ग्रामर मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के रिविज़न के लिए परसों एक वर्क दिया था और आप सबसे मैंने समय दिया था थर्टी मिनट्स आपने मांगा था और आपसे मैंने एक्सप्लेन करने को कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिस ग्रामर सो so, मैंने आपको टॉपिक दिया था लैंग्वेज लेटर स्क्रिप्ट अल्फाबेट वर्ड सो व्हाट इज़ द वे यू हैव एक्सप्रेसड यूर सेल्फ एंड विद इन द थर्टी मिनट्स आपने थर्टी मिनट्स में जो एक्सप्रेस किया है जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी बात है बट व्हाट इज़ द वे करेक्ट वे क्या था किस तरीके से आपको करना था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज वाट इज लैंग्वेज लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर थाट्स लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर थाट्स भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड फ्रेंच अर द लैंग्वेजेस लेटर अब जो बेसिक जो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की वो लेटर है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज ऑन विच द लैंग्वेज डिपेंड द सिम्बोलिक रिप्रजेंटेशन ऑफ साउंड फॉर एग्जाम्पल ओ ए देखिए वट इज लेटर सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड जैसे मैंने बोला ओ तो मेरे जो होट और जो मुंह का शेप बना वो बिल्कुल ओ जैसा बना है इसलिए उसको ए ओ सिम्बॉल से दिखाएगा ए तो इस तरीके से हमने लेटर ऐसे बने हैं शुरू में से साउंड था फिर उसके सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ ठीक है तो जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जेड अस तक स्क्रिप्ट अब स्क्रिप्ट में क्या होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है पर वो ग्राफिकल सिंबॉलिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड होता है सिंबॉलिक होता है ग्राफिकल होता है पिक्टोरियल होता है बट ये पूरा पूरा एक ग्रुप होता है जिसको हम लिख भी सकते हैं स्क्रिप्ट मीन्स यू कैन राइट इट ग्राफिकल सिंबॉलिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड ए बी सी ए टू जेड तक असज्ञा तक ध्वनि का चित्रों ग्राफ या चित्रात्मक निरूपण लिपि कहलाता है स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइट लेटर्स वर्णमाला में परिमित शब्द होते हैं अब अल्फाबेट्स में आ जाए ग्रुप ग्रुप ऑफ फाइनाइट लेटर्स वर्णों का परिमित समूह जो होता है वो वर्णमाना कहलाता हेलो स्टूडेंट्स दिस इज फॉर यू कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट वीडियोलेशन। स्क्रिप्ट ग्राफिकल सिंबोलिक और प्रैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड ए बी सी ध्वनि का चिन्हों ग्राफ या चित्रात्मक निरूपण लिपि कहलाता है स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट लेटर्स वर्णमाला में परिमित शब्द होते हैं परिमित का मींस ये है फाइनाइट का मींस ये है कि उसमें नंबर ऑफ जो लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल फ़ाइनाइट होते हैं मीन्स ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में 53 थ्री हमारे हिंदी में है तो वावेल्स नंबर ऑफ़ वावेल्स नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स सेमी वावेल्स ये सब फिक्स होता है अल्फ़ाबेट्स ग्रुप ऑफ फाइनाइट लेटर्स वर्णों का परिमित समूह वर्णमाला कहलाता है ए टू जेड तक जितना भी आता है वो सारे अल्फाबेट्स कहलाते हैं हर लैंग्वेज के अपना अल्फ़ाबेट होता है स्क्रिप्ट होती है अल्फ़ाबेट गुजराती हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट गुजराती अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स कंसिस्ट आप अल्फाबेट में क्या क्या होता है अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ वावेल्स सेमी वावे एंड कॉन्सोनेट्स स्वर अर्ध स्वर और व्यंजन होते हैं जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है और सेमी वावे जो होते हैं डब्ल्यू एंड वाई होते हैं और व्यंजन बी सी डी एफ जी टू झेड तक होते हैं ठीक है अब हिंदी में जो होते अ से अह तक स्वर होते हैं और अर्ध स्वर होते हैं जैसे कृष्णा में जो क्री लगता है वो ऋषि से लगता है श्रद्धा में जो स्व निकल के आया है वो धा, धा जो है द के साथ आधा ध कर्म के साथ रकारा फूटा हुआ है प्र के साथ इधर प्र में भी रकारा है और ड के नीचे बिंदी और क के ऊपर बिंदी है ये सब अर्ध स्वर है कॉन्सोनेंट्स क का से ग्या तक होते हैं उसमें तो इस तरीके से ये जो था आपको रिप्रेजेंट करना था तो पहले हम उसका रफ और जो कंटेंट है वो लिख लेते हैं और उसके बाद उसको फाइव सेवन टाइप रिपीट करके रिवाइज करके उसको समझते हैं और फिर उसको एलोबरेट कर सकते हैं हम तो ये जो है ये हो गया आपका कंप्लीट लेसन थैंक यू वेरी मच